मीडिया के सामने को मेरा नमस्कार। मैं वर्तमान में एनएसयूआई का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और अभी हाल ही में मुझे त्रिपुरा प्रदेश की भी जिम्मेदारी मिली है प्रभारी के तौर पर। आज जैसा कि त्रिपुरा प्रदेश के जो हम दौरे पर आए हैं, जो संगठन की तरफ से निर्देश मिले, उसमें एनएसयूआई के अंदर त्रिपुरा प्रदेश में संगठन की इकाई को लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट को लेकर के जल्द से जल्द बदलाव होने जा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे कमेटीज जल्द से जल्द सेटअप होने जा रही है। उसको लेकर के हमने एक रिव्यू मीटिंग भी की है और आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, असेंबली वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, कॉलेज वाइज अपनी यूनिट्स को रिव्यू करेंगे। और जो लोग, जो स्टूडेंट्स, जो एक्टिविस्ट हमारे यहाँ मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको आगे ला करके उनको प्लेटफॉर्म पे, एनएसयूआई के प्लेटफॉर्म पे मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं बधाई देना चाहूंगा अपने एनएसयूआई के हमारे साथी, हमारे साथी सम्राट और है और हमारे एनएसयूआई के एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने 10th और 12th के बच्चों के लिए, जो हमारे पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज मुंडन जी के निर्देश पर, राहुल गांधी जी के आदेशानुसार पूरे देश में हमारी एक मांग थी कि कोविड के समय में जब सारी चीजें ऑनलाइन मोड में हो रही हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्रिमंडल है, उनकी बैठक जब ऑनलाइन मोड से हो रही है, तो स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए, फिजिकल एग्जाम के लिए उनको फोर्स ना किया जाए। और उसको लेकर के त्रिपुरा एनएसयूआई ने भी पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ी और यहाँ पर हमने मांग उठाई कि बच्चों को 10th और 12th के बच्चों को मास प्रमोशन दिया जाए। और आज मुझे भी पता चला है और मैंने अपने साथियों को मैं बधाई भी देना चाहूंगा कि हमारी वो डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई है। 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया गया। बट अभी एक और चीज, जैसा कि मुझे मेरे साथियों ने बताई कि जो हमारी एक डिमांड और है उसमें 50% मार्क्स मिनिमम उनको मिलने चाहिए जिससे कि उनको आगे एडमिशन में प्रॉब्लम ना आए, तो उस डिमांड के लिए अभी हम और आगे संघर्ष भी करेंगे। इसके साथ ही हमारी एक और डिमांड है जो कि पूरे देश में बीजेपी सरकार और खासतौर से मोदी जी और उनके मंत्री जी पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। थैंक यू मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर्स आप लोग देखते होंगे और ये झूठ फैलाया जा रहा है कि फ्री में वैक्सीनेशन चल रहा है। आज आप सबको पता है कि वैक्सीनेशन की हालत है, 18+ के नाम पर, फ्री वैक्सीनेशन के नाम पर आज स्टेट में स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से कॉलेज कैंपसेस नहीं खुल पा रहे हैं और स्टूडेंट्स के एकेडमिक के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट से भी कि स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कराया जाए, जल्द से जल्द उनको वैक्सीनेट किया जाए ताकि कॉलेज कैंपसेस भी खोले जा सके और उनकी पढ़ाई, उनके जो एकेडमिक्स हैं वो दोबारा से ट्रैक पर ला करके उनके एकेडमिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो और सभी जो संगठन के मुद्दे हैं, जो संगठन की मीटिंग है, वो अभी आने वाले 2 से 3 दिन में हम लोग करेंगे प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर। और सभी अपनी जो एक्टिविटीज हैं, जो हमारे जो पिछले कुछ महीनों में जो कार्य किए गए हैं संगठन के साथियों द्वारा, उसको हम रिव्यू करके और आगे की कमेटियां और आगे की रूपरेखा अपने तैयार करेंगे। धन्यवाद।